पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर राष्ट्रीय हड़ताल अंबेडकर पार्क में की गई, जिसकी अध्यक्षता विपिन कुमार रस्तोगी जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। हड़ताल में मुख्य रूप से शिव कुमार संचालन अनुज कुमार गहलोत द्वारा किया गया। हड़ताल में सभी ने अपनी मांगे रखी, जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन मान 26,000 रुपए किया जाए, संविदा और आउटसोर्सिंग बंद की जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित जारी शासनादेश तत्काल समाप्त कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा बहाल की जाए, स्कीम वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा बहु संगनी रसोईया महिला सामाख्या कार्यकर्त्री पीआरडी जवान मनरेगा श्रमिकों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, श्रम कानूनों में संशोधन वापस लिए जाएं, मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रांसपोर्ट विरोधी संशोधन लाना बंद किया जाए। इसी के साथ अन्य 9 सूत्रीय मांगों पर भी विचार करने की बात कही गई। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं मंडल मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से। आज की जो हमारी मुख्य मांग है वो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में विभिन्न विभाग जो आए हैं, उसमें आबकारी है, मत्स्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और चकबंदी विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, पिछड़ा कल्याण विभाग है और साथ में समर्थन में हमारे साथ 10 ट्रेड यूनियन में जो है हमारे साथ बी डी शर्मा जी बैठे हुए, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से हैं, AIUTC है वगैरह है और हमारे जो MIT के साथ मुख्य मांगे हमारी सबसे पहली जो मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि 2004-05 से NPS लागू हो गया था तो उसमें जो है NPS में काफ़ी जो है साथियों को परेशानी होती है, उसमें जो कि GPF निकालने का कोई सिस्टम नहीं है और जिन लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनको 1,000 रुपये या 1,200 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि पुरानी पेंशन के बहते जो है उसमें मूल वेतन का हाफ पेंशन मिला करती थी। तो हमारी जो पहली मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल हो और दूसरी मांग जो है हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन, जो सातवें वेतन में होना था वो अभी तक नहीं हुआ है, हमारी काफ़ी समय से लंबी मांग चल रही है 26,000 न्यूनतम वेतन हो और आउटसोर्सिंग और संविदा सभी डिपार्टमेंटों में इस समय जो है आउटसोर्सिंग संविदा पे जो है कर्मचारी रखे जा रहे हैं, ये कर्मचारी अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई पहल रही है? यूपी गवर्नमेंट से अभी इस संबंध में कोई पहल नहीं आ रही है और कोई उनका आश्वासन नहीं आ रहा है, इसलिए आज हमें मजबूरन जो है राष्ट्रीय हड़ताल पर बैठना पड़ा है। इसमें सेंट्रल यूपी में BJP की गवर्नमेंट है और 2019 पास में है जी, क्या 2019 में सपोर्ट किया जाएगा BJP? बिल्कुल नहीं, हम इसका जो है पुरजोर विरोध करेंगे क्योंकि हमेशा BJP सरकार की जो है कर्मचारी विरोधी नीतियां रही हैं। अभी की मैं आपको बात बता दूं, 25 अक्टूबर 2018 में एक चिकित्सा प्रतिपूर्ति का शासनादेश, जो हमारे साथियों को जो ट्रीटमेंट कराते थे निजी अस्पतालों में उनको जो है वो रीइंबर्स हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा, उसको भी प्रतिबंधित कर रहा है, जिसमें हमारे सेवानिवृत्त साथी परेशान होते हैं, हमारे जो कार्यरत साथी वो परेशान होते हैं। तो BJP की तो नीति हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है और BJP ने ही पुरानी पेंशन बंद करी थी, हमारा नकदीकरण बंद करा था, तो हम जो है BJP को कतई हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका पूरा बहिष्कार करेंगे और 2019 के इलेक्शन में हम BJP को नहीं आने देंगे। राज्य कर्मचारी महासंघ के कितने मेंबर, कितने सदस्य होंगे? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अगर मैं बात करूं, पूरे यूपी की बात करूं तो लाखों कर्मचारी इसके बैनर तले आते हैं और इसके बाद हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है जिसमें करीबन 22 प्रदेश की जो है यूनियन उसके साथ में आती है। अभी MIT मुरादाबाद में क्या विवाद चल रहा है उसका? MIT में जो है अभी हमारे कुछ साथी हैं, 23 कर्मचारियों को जो है बिना किसी नोटिस के निकाल दिया है, जबकि प्राइवेट कंपनी में भी जो है श्रम कानून लागू होता है, श्रम कानून 1926, 1940, 1947 उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनको जो है बिना नोटिस के निकाल दिया, जबकि नियम यह है कि 3 महीने नोटिस देने के बाद ही उनको निकाला जाता है। ये पूर्ण तरीके से तानाशाही है, BJP सरकार हमेशा पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और अभी भी वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, टोटल प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, शिक्षा में प्राइवेट करना चाह रही है।